हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आप अपना आने वाला नेट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दिया। और ये हमारा डेली 5 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 है। उम्मीद करता हूँ आप पार्ट 1 को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ये सेशन एंड होते ही आपको पार्ट 1 एंड स्क्रीन पर दिखाई देगा। और फिर भी नहीं देखा तो आप इसी चैनल के अंदर जाओ और प्लेलिस्ट चेक करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट इज़ द मूड ऑफ द फॉलोइंग सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट। तो निम्नलिखित न्यायशास्त्रीय तर्क का मूड क्या है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस लॉजिक से लिए गए हैं और ये मूड एंड फिगर से लिए गए हैं, राइट। तो यहाँ पर बोला है कि ऑल प्रोफेसर्स आर एकेडमिशियंस, सम एकेडमिशियंस आर एक्टिविस्ट, therefore some activists are professors। तो फ्रेंड्स, आज का 5 क्वेश्चंस गेट एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो, ऑल प्रोफेसर्स आर एकेडमिशियंस, ये तो ए प्रोपोजिशन है, राइट। तो देखो, यहाँ पर ऑल लिखा है और ये एफर्मेटिव भी है, राइट। तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ये तो ए प्रोपोजिशन होता है। अब देखो, सम एकेडमिशियंस आर एक्टिविस्ट, राइट, ये तो आई प्रोपोजिशन है। देखो, यहाँ पर एफर्मेटिव भी है, राइट। तो ये पर्टिकुलर एफर्मेटिव, ये तो आई प्रोपोजिशन है, राइट। अब नेक्स्ट प्रोपोजिशन, देयरफॉर सम एक्टिविस्ट आर प्रोफेसर्स, ये भी आई प्रोपोजिशन है, राइट। तो ए आई आई, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन द वैशेषिक सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पदार्थ और कैटेगरी। तो वैशेषिक सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है। ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी गुण, या फिर ऑप्शन डी तेजस। तो फ्रेंड्स, वैशेषिक सिस्टम ने 7 टाइप्स का कैटेगरी को एक्सेप्ट किया है, राइट। और उनमें से गुण एक कैटेगरी है, पदार्थ है, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आप देखो, बहुत सारे 7 कैटेगरीज कौन कौन सा है। तो देखो, वैशेषिक फिलोसफी एक्सेप्ट 7 कैटेगरीज। फर्स्ट है द्रव्य, सेकंड है गुण, थर्ड है कर्म, फोर्थ है सामान्य, फिफ्थ है विशेष, सिक्स्थ है समवाय और 7 नंबर पे है अभाव, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन द मीमांसा सिस्टम अपूर्व स्टैंड्स फॉर ए लिंक बिटवीन। तो मीमांसा प्रणाली में अपूर्व के बीच एक कड़ी संबंध के लिए खड़ा है, वो संबंध किसके साथ है। तो ऑप्शन ए द पास्ट एंड द प्रेजेंट, ऑप्शन बी परसेप्शन एंड इन्फरेंस, ऑप्शन सी एन एक्ट मीन्स एक्शन एंड इट्स फ्रूट, या फिर ऑप्शन डी क्रिएटर एंड क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, मीमांसा सिस्टम में अपूर्व का अर्थ है कि जब हम कोई काम करते हैं और जब हम कोई काम का जो रिजल्ट है वो निकल के आता है, ये काम और जो रिजल्ट है इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वही है अपूर्व। तो देखो, ऑप्शन सी एन एक्ट एंड इट्स फ्रूट, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रमाण इन द नया सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन नई प्रणाली में एक प्रमाण नहीं है। तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी उपमान, ऑप्शन सी अनुपलब्धि, ऑप्शन डी अनुमान। तो फ्रेंड्स, जो नया सिस्टम है तो उन लोगों ने 4 टाइप्स का प्रमाण को एक्सेप्ट किया है, वो कौन कौन सा है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, राइट। तो यहाँ पर देखो, अनुपलब्धि ये तो नहीं है, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुपलब्धि को किसने एक्सेप्ट किया है, ये शंकराचार्य और भट्ट मीमांसा, राइट। ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द कॉन्सेप्शन ऑफ जीवा इन अद्वैत स्टैंड्स फॉर। अद्वैत में जीव की अवधारणा का अर्थ है ऑप्शन ए इंडिविजुअल सेल्फ, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सेल्फ, या फिर ऑप्शन सी लिविंग सेल्फ, या फिर ऑप्शन डी लिबरेटेड सेल्फ। तो फ्रेंड्स, द कॉन्सेप्शन ऑफ जीवा इन अद्वैत, तो अद्वैतवाद को किसने एक्सेप्ट किया है, ये शंकराचार्य ने दिया है, राइट। तो मोनिज्म मीन्स अद्वैत। तो शंकराचार्य ने कॉन्सेप्शन ऑफ जीवा मीन्स जीव की जो अवधारणा है वो क्या है, वो इंडिविजुअल सेल्फ ही है, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है।
देखो यूनिवर्सल सेल्फ, लिविंग सेल्फ और लिबरेटेड सेल्फ ये तो नहीं है, राइट। ओके दैट्स ऑल फॉर डेली 5 एमसीक्यू सीरीज। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह का और सेशन पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।